Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ये उन दिनों की बात है. हालत के हाथों मजबूर था मैं, पास होके भी तुम्हारे दूर था मैं. मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर तेरा. मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर तेरा. कॉर्डलेस लेकर आना. उन दिनों कॉर्डलेस फोन आशिकों के लिए एक वरदान था, जिसने कई सारे आशिकों को एक दूसरे से जोड़ा था, और कई बार क्रॉस कनेक्शन की वजह से आशिकों की पोल भी खोली थी. कॉर्डलेस फोन था, मोबाइल जितना अच्छा नेटवर्क तो था नहीं कि कहीं से भी फोन कर लो, पर घर वालों से छुपकर बैल्कनी में, छत पर, बेडरूम में प्यार के दो पल चुरा के दे ही देता था. ले बात कर. मैं क्या बात करूं, तू बात कर. करना हेलो, औरत बात कर रही है. हाँ तो करना बात. हेलो हेलो, समीर है? समीर, हाँ समीर से बात करा दीजिए ना प्लीज. समीर तो नहीं है, आप कौन? समीर ही था ना, मैंने कहा था वो यही है. हाँ यही है, औरत की आवाज में मुझसे बात कर रहा था. पागल है क्या? समीर नहीं है वहां पे. तो औरत कौन थी? कहीं चीजा जी ने चुपचाप शादी तो नहीं कर ली? एक थप्पड़ खाएगी. बकवास की तो सॉरी. मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर तेरा. मुजरिम नहीं हूं मैं, पूरा है गुजर तेरा. दूरियां हुई है सदियों की दूरियां.
प्रीति, तेरे चक्कर में ना मेरा फॉर्म रह जाएगा। पता है ना कितना दूर है यहाँ से पीएमयू? वो तो है। क्या वो तो है, कोई काम अकेले नहीं कर सकती। फॉर्म ही तो भरना था, थोड़ी ना हिमालय पर्वत चढ़ना था। हाँ तो तुझे पता है ना कि मैं स्पेलिंग्स में कितनी गलतियां करती हूँ, तो एक काम करना तू ही भर दे प्लीज। नैना, नैना तू एक मिनट यही रुक, मैं आती हूँ। पता नहीं पंडित और मुन्ना कहाँ रह गए। अरे प्रीति कहाँ जा रही है? जरूर ये रुक जा, कह तो रहे थे कि 10 बजे तक समीर को लेकर यहाँ आ जाएंगे। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? नैना को। क्या? अरे वो, अरे पागल हो गया पंगा पंडित, नैना यहाँ क्यों होगी? अरे वो तो अपने पीएमयू कॉलेज में गई होगी फॉर्म भरने के लिए। हाँ हाँ हम तो यहाँ रमेश अंकल को ढूंढने आए। हाँ। रमेश अंकल अभी कौन है? अरे बड़ा जुगाड़ू आदमी है, 5 रुपए में मस्त फॉर्म भरता है। तुम लोग पैसे देके फॉर्म भरवाओगे तो फिर हमारा फॉर्म कौन भरेगा? मैं भरूंगा ना। ये ले पेन 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 तो मैं लाना भूल गया यार। अरे अभी लेके आते हैं। हाँ पेन पेन पेन। यार ये पेन लेने गए हैं या बनाने? एक्सक्यूज मी, आपके पास पेन होगा? एक्सक्यूज मी, मेरे पास पेन थैंक यू। प्रीति की बच्ची भी ना, आप पहले चले जाइए। आप पहले चले जाइए। आप पहले चले जाइए। आप पहले चले जाइए। आप पहले अहमदाबाद में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो पीएमयू में एडमिशन लिया है ना? समीर। अरे समीर। समीर रुको। समीर तुम्हें कैसे पता मैं पीएमयू में एडमिशन ले रही हूँ? तुमने चिट्ठी में झूठ क्यों लिखा कि तुम्हारा दिल्ली में एडमिशन हो गया है, तुम यहाँ ले रहे हो? समीर रुको तो सही, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? समीर रुक जा भाई। समीर रुको। समीर सुनो ना, मुन्ना पंडित को तुमने कहा था ना कि तुम घर पर नहीं हो? समीर तुमने झूठ बोला था ना? समीर बोलो ना। समीर रुको। समीर क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। समीर सुनो, समीर कुछ तो बोलो।
जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। अरे ना 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 समीर, ना तू ठीक है? समीर, 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 आंखों पे पानी डालने से आंखों के आंसू नहीं छुप सकते। समीर, तुझे हुआ क्या यार? क्यों कर रहे तो ये सब? मुन्ना पंडित, तुम लोग जाओ यहाँ से। देख, जब तक तू बताएगा नहीं तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज चले जाओ यहाँ से। नैना की हालत देखी तूने? जो उदासी तेरे चेहरे पे वही उदासी उसके चेहरे पे भी है यार। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से प्लीज। पहले तू वजह बता समीर, क्यों कर क्यों रहे तो ये सब? नैना के लिए। हाँ, मैं ये सब नैना के लिए कर रहा हूँ। पापा को प्यार किया, मुझे छोड़ के चले गए। फिर मैं नानू के करीब आया तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और अगर आज मैं अहमदाबाद नहीं आता दिल्ली से तो शायद मम्मी, और जब नैना दिल्ली आई थी ना तो जैसे मैंने उसे देखा वैसे उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। राज, आज देखा ना तुम लोगों ने, मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट होते बच गया। दादी, दादी सही कहती है, मैं मनहूस हूँ, बहुत बड़ा मनहूस। तू और मनहूस? क्या बोल रहा है यार तू? जो भी कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं नैना से दूर रहूंगा। मुझे पता है कि मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन मैं नैना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नैना को कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। नैना, नैना तू टेंशन मत ले, हो सकता है कि जीजा जी किसी बात पर उदास हो, या फिर दिल्ली में कोई बात हो गई होगी, या फिर उनके मामा मामी ने कुछ कह दिया होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुझसे मिलने ना आए। तू प्लीज टेंशन मत ले। मैं टेंशन नहीं ले रही। तू रो क्यों रही है? मिर्ची काट रही थी, आंख में हाथ लग गया। इसका मतलब सुबह से इतना कुछ हो गया और तुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा? ऊपर से चोट भी लग गई। चोट? भगवान झूठ ना बोले नैना, कहाँ चोट लगी? वो कैसे लगी, कहीं गिर गई थी क्या? चाची जी, वो केला। केला? लो, भगवान झूठ ना बुलाए, मतलब कॉलेज क्या जाने लगी, अपने मम्मी के नाम ही भूल गई। बेटा, तेरी मम्मी का नाम केला नहीं बेला है, बेला। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं केला ही कह रही थी। वो सड़क पर केले का छिलका गिर गया था तो नैना उस पे फिसल कर गिर गई। अच्छा बेटा, और कहीं चोट नहीं लगा ना? अच्छा ठीक है, मैं ना तुझे रात में हल्दी वाली दूध बना के पिलाऊंगी,
फिर देखना। हाँ हाय मम्मी, हल्दी वाले दूध से दिल की चोट कैसे ठीक होगी? दिल की चोट? प्रीति और गलत वक्त पे गलत बात बोलने की उसकी वो बीमारी। लेकिन उस वक्त मुझे प्रीति से ज्यादा समीर पर गुस्सा आ रहा था। प्रीति से भी बड़ा बेवकूफ लग रहा था समीर उस वक्त। मन कर रहा था कि वो सारी की सारी मिर्ची समीर को खिला दूं, ताकि वो रोए बाल्टियां भर भर के। हाँ पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।